तो हाय गाइस एंड जैसे तब लोग ने कहा कि भैया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए तो सब बताइए क्या क्या हम लोग करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर को इतना नॉलेज नहीं रहता है कि अभी कॉलेज में आए हैं क्या करें क्या नहीं करें और जब मेनली सेकेंड ईयर भी कंफ्यूज्ड है, तो ये 2 ईयर वाले बच्चे लोग मुझे बहुत पिंग किए कि भाई थोड़ा सा एक वीडियो डाली जिसमें पता चले कि फर्स्ट ईयर को क्या करना चाहिए कमिंग टू द कॉलेज एंड सेकेंड ईयर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट फर्स्ट ईयर शुड डू। देखो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले लोग हैं, अभी तुम लोग कॉलेज में नए नए आए हो, ठीक है, पहला तुम्हारा काम होगा ना कि समझो कि पहले बीटेक का ही क्यों रहे हो। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बीटेक का मतलब हो गया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब तुमको अपनी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, राइट। तो अब टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे तुम लोग? तुम लोग टेक्निकल स्किल्स नए नए टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे, टेक्नोलॉजीज का मतलब सी पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। तो बेसिकली अभी तुमको सी और सी प्लस प्लस को कमांड में अपने लेना है, कमांड में लेने मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रैक्टिस करना है, उसका बेसिक समझना है, रटना नहीं है, एक एक चीज़ को समझो अंडरस्टैंड करो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ईयर जो होता है लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर मीन्स ज़्यादा मतलब कॉलेज का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, सिलेबस के क्वेश्चन ईजी रहते हैं, फिर तुम्हारा जो पिछले साल मतलब 11th 12th में जो पढ़े हो वही सब चैप्टर भी कुछ छूट रहता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, पी कॉम हो गया, वैसे बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स भी रहते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा एग्जाम के, लाइक कुछ दिन पहले भी पढ़ोगे तो लाइक पी कॉम ये सब सब्जेक्ट तुम लोग निकाल सकते हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग को मेनली फोकस होना चाहिए कि कैसे तुम लोग सी और सी प्लस प्लस को कमांड में ले लो। कमांड का मतलब पूरा लॉजिक कंसेप्ट सब क्लियर हो जाए, मतलब अगर तुम प्राइम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें समझना चाहिए क्यों प्राइम नंबर में लॉजिक क्या लगा है, और लॉजिक लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब लूप समझ के, जैसे फॉर लूप चल रहा है कैसे फॉर लूप चल रहा है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल, तो सब चीज़ तुम्हें समझना है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, और सब चीज़ समझना मतलब पॉइंटर्स एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या होता है ना, लोग एंड के टॉपिक्स छोड़ देते हैं, वो मत करना, सारे टॉपिक्स को इक्वल प्रायोरिटी दे के पढ़ना, एरे से लेकर स्ट्रिंग तक फंक्शन तक सब अच्छे से पढ़ना। और फिर सी प्लस प्लस भी मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में ही सबको कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सी प्लस प्लस इसलिए जब सी का ही आगे वाला पार्ट मतलब मेनली तुम एरे पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे, स्ट्रिंग्स पढ़ोगे, सब सी प्लस प्लस में भी है, बस एक उप कॉन्सेप्ट करके एक आएगा वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना। उससे क्या होगा ना, व्हेन यू गो टू सेकेंड ईयर ना, तुम्हारा सी और सी प्लस प्लस का जो लॉजिकल पार्ट मतलब लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो सब ना क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें जावा में बस फोकस करना है, यू लर्न द सिंटैक्स ऑफ जावा, और जावा को कुछ कुछ चीज़, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे पास रहेगा, और उसके साथ DBMS भी रहेगा। तो इसी का तुम्हारा फर्स्ट ईयर तक सी सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास आगे लोड नहीं रहेगा कि भैया हमें फर्स्ट ईयर में लाइक करना है, मतलब हमें सेकेंड ईयर में फिर से सी सी प्लस प्लस करने वाला लोड नहीं होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का क्या है कि उनको अब सी सी प्लस प्लस को अपना कमज़ोर जिनके हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको डबल अब मेहनत करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का चीज़ें भी जो जो करनी थी वो छोड़ चुके हैं, तो उनको डबल मेहनत करना पड़ेगा, राइट। अब क्या है कि तुम्हारे जो सेकेंड ईयर्स हैं वो लोग अगर चाहे तो अभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करें जो फर्स्ट ईयर में मतलब मिस कर दिया था, वो लोग बेसिक बस सिंटैक्स वाले ही क्वेश्चन सॉल्व किए और लाइक बहुत सिंपल सिंपल किए, तो अब उनको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर में इट्स लाइक डेड एंड। ठीक है, तो थर्ड ईयर तक उनको बहुत इश्यूज आ जाएंगे अगर उसने कॉम्पिटिटिव कोडिंग सेकेंड ईयर में नहीं किया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, सेकेंड ईयर वालों को कॉम्पिटिटिव कोडिंग पूरा अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अब उनका मेन टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके साथ साथ ना उनको ना अब कोशिश करना चाहिए कि एप्टीट्यूड भी एंड ऑफ सेकेंड ईयर अभी तो हो रहा होगा, तो एप्टीट्यूड भी धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास थर्ड ईयर में उतना समय नहीं मिलेगा कि एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग सब कुछ मैनेज करने में इश्यूज़ होगा, तो थोड़ा 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 वो भी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और हेल्प एक और चीज़ करना चाहिए उनको कि उनको अपना CGPA भी थोड़ा सा मेनटेन में रखना चाहिए। मैं बहुत बार देखा हूँ कि लोग का फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा CGPA रहा है, सेकेंड ईयर में एकदम ही डाउनफॉल हो गया, वो मत करना, मतलब ट्राई करना कि एकदम लाइक 8 8.5 मतलब इस तरह का CGPA या परसेंटेज जिसका भी, तो तभी गुड टाइम काइंड ऑफ परसेंटेज रखो, ताकि हो सकता है कि फ्यूचर में जब तुम्हारा प्लेसमेंट होगा ना तो तुम्हारा CGPA भी थोड़ा सा मायने रखता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है, मेनली मायने रखता है तुम्हारा सेलेक्शन में, लाइक
तुम्हें कोडिंग रूम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा 6 CGPA, क्योंकि कंपनी का क्राइटेरिया रहता है 8+ वाले का या 7.5, समझो ना। तो एकदम अच्छा थोड़ा सा CGPA रखना, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट भी बनेगा, कि CGPA से पता चलता है यू आर सिंसियर, यू आर डिसिप्लिन, तो ये सब भी पता चलता है। तो इसी काम बोले ना, ये सब चीज़ को भी लाइक टेक केयर करना, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले जावा और डेटा स्ट्रक्चर, ये दो को रिवाइज करो, जो लोग का कॉम्पिटेटिव कोडिंग हो वो सब कर लियो, ये रिवाइज करो, इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि क्या होगा ना, ये चार चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो ताकि तुम थर्ड ईयर का अगर DBMS में लाइक तुम अपना उतना अच्छा नहीं है, तो लाइक प्लेसमेंट के 1-2 महीना जो मई जून में छुट्टी मिलती है, उसमें भी लाइक DBMS अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ये आज एक तरह से बेसिक था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जिसको अच्छा लग रहा है लाइक मेरा वीडियोस एंड स्टफ्स, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के पास जाए, ठीक है, ताकि वी कैन हेल्प सो मैनी पीपल, ओके।